अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा गाइस। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार टच कर लेता हूँ, ये देखिए जैसे हमने टच किया वापस से हिला थोड़ा सा, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो ये हमारा कनेक्टर लग चुका है। अब देखते हैं, आपको हम अभी जूम करके भी दिखाएंगे कि हमारा कनेक्टर जला कि नहीं जला गाइस। तो चलिए हम इसको वॉश कर लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है कि आज हम जो करने वाले हैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कनेक्टर हो, चाहे वो कैमरा डिस्प्ले, चाहे वो चार्जिंग, चाहे वो माइक, कोई सा भी कनेक्टर हो, उसको हम कैसे इजी तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा गाइस, कुछ भी आप मिस नहीं करेगा क्योंकि मैं सारा स्टेप बाय स्टेप और इजी बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी कनेक्टर है और हमारे पास एक फ्रेश कनेक्टर भी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेम मॉडल का ही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कनेक्टर है जो कि सेम है, हम इसको भी निकालेंगे और इसको, इस कनेक्टर को निकाल कर आपके सामने हम इस कनेक्टर में फिक्स करने वाले हैं गाइस। तो चलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा गाइस। कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो हो सकता है आप उसको ना कर पाए या फिर अपने कनेक्टर को जला लें। तो यहाँ पे चलिए हम कंप्लीट वीडियो को यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं गाइस, क्योंकि हम जो वीडियो लेकर के आते हैं कुछ भी फेक वीडियो लेकर के नहीं आते, जो भी रहता है जेन्युइन रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है गाइस, आपको उसके चारों तरफ फ्लक्स लगा देना है। और मेन मैटर क्या है गाइस कि इसकी जो हीटिंग है, चलो ये मैं बता दूँ, इसलिए जो लोग जला देते हैं कि कोई मैटर नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो इसका एयर यूज़ करना है, जो आपको हीट यूज़ करना है, आपको 300 हीट यूज़ करना है, टेम्परेचर इसका 300 करना है और आपका एयर यूज़ करना है जो गाइस 40। तो मैं यहाँ पे अपने सेट कर देता हूँ, मैं आपको एक फोटो भी दिखा दूंगा कि मैंने कितने सेंसर पे काम किया है। अब जब हम गलती क्या करते हैं गाइस, जब हम SMD, जब हम इसका नूजल को चलाते हैं गाइस, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक जगह स्टेबल नहीं रखना है, आपको इसको राउंड राउंड करते रहना है गाइस, राउंड राउंड। ये तो हम निकाल रहे हैं बेसिकली, ये तो ये खराब है, पर जनरली जब हम सही वाले कनेक्टर को निकालेंगे तो वो आपका जल जाएगा इस पर। मैं कोशिश करूंगा कि हमारा ये खराब वाला भी कनेक्टर ना जले। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे हिट कर रहे हैं। आपको क्या करना है गाइस, इसको नोजल को चलाते रहना है, नोजल को चलाते रहना है, स्टेबल नहीं करना है गाइस। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो ये कंप्लीट होता है कि नहीं होता है गाइस। ये देखिए मैं नोजल को जिस तरीके यूज़ कर रहा हूँ, आपको उसी तरीके को नोजल यूज़ करना है और डिस्टेंस जो बना हुआ है उस डिस्टेंस पर आपको फॉलो करना है। तो चलिए ख़राब ना हो, हालाँकि ऑलरेडी डैमेज है, पर इससे आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके प्रिंट भी उखड़ सकते हैं गाइस। तो चलिए फटाफट हम वेट करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि हम इसमें जो हीट यूज़ कर रहे हैं कम हीट यूज़ कर रहे हैं। तो देखिएगा अभी ये जनरली निकल जाएगा, देखिए बहुत इजी तरीके से हमारा ये कनेक्टर निकल चुका है गाइस। तो देख सकते हैं हमारा जो कनेक्टर था गाइस, वो जो कनेक्टर ख़राब कनेक्टर भी नहीं जला गाइस, देख सकते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो ख़राब कनेक्टर है वो भी नहीं जला है गाइस। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको डिसोल्डर लेना है गाइस, डिसोल्डर लेना है और डिसोल्डर लेकर के आपको चला देना है। तो मैं यहाँ पे आयरन यूज़ कर लूँगा, आयरन यूज़ करने के बाद आपको डिसोल्डर लेना है गाइस और डिसोल्डर लेकर के आपको यहाँ पे चला देना है। तो फ्लक्स यूज़ करेंगे थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे फ्लक्स यूज़ कर लेता हूँ और डिसोल्डर आपको यहाँ पे चलाना है जो आपका कनेक्टर्स है। मैं आप इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बट आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए मैं डिसोल्डर ले लेता हूँ और डिसोल्डर लेने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्लीन कर लेना है गाइस। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगा थिनर से, जैसा कि मैं यहाँ पे कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ गाइस। तो बट आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है गाइस। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर लेता हूँ, ये मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद आप हमेशा एक वाइट क्लॉथ रखें। तो देखिए पर्टिकुलर हमारा ये कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लीन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, अब हम जो हमने दूसरा आपको दिखाया हुआ था उस कनेक्टर पे ले चलते हैं। चलिए अब इस कनेक्टर को हम निकालेंगे और इस कनेक्टर को निकालने का प्रोसेस जो हमने आपको दिखाया था वही सेम प्रोसेस, क्योंकि वो तो खराब था तो खराब वाला तो नहीं निकला, पर हो सकता है आप इसको भी जला दें। तो ये भी आपको सेम प्रोसीजर करना है गाइस, आपको हल्का सा फ्लक्स लेना है, फ्लक्स लेके इंजेक्ट करना है। तो मैं वही प्रोसेस कर रहा हूँ, फिर से दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लक्स लिया और ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स आप चारों तरफ इंजेक्ट कर दें। फ्लक्स हमने चारों तरफ इंजेक्ट कर लिया गाइस, क्योंकि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करें। अब जो हमारा टेम्परेचर और एयर रहेगा सेम रहेगा। चलिए अब आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे इसको चलाते रहना है, स्टेबल नहीं रखना है गाइस। मैं फिर से अगेन बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे चलाते रहना है, स्टेबल नहीं करना है, चलाते रहिए। ये देख सकते हैं मेल्ट हो चुका है, अब साइड से इसको आराम से नीचे कर दीजिए। तो देख सकते हैं कनेक्टर को हमने निकाल लिया, थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद देखेंगे कि हमारा ये कनेक्टर जला
खराब हुआ, बच गया कि नहीं बचा गया। तो चलिए थोड़ा सा उसको कूल होने देते हैं। कूल होने के बाद अब उसको लाते हैं ऊपर और देखते हैं कि हमारा कनेक्टर जो था वो बचा कि नहीं बचा। तो देखिए गाइस, जो हमारा कनेक्टर था ये हमारा इजीली तरीके से निकल चुका है, जला कहीं पे भी नहीं है, हल्का सा ब्लर आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा कनेक्टर ये कहीं पे भी नहीं जला गाइस, तो बहुत इजी तरीके से निकल गया है। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो चलिए अब लगाने का प्रोसीजर देख लेते हैं गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा खराब वाला कनेक्टर था। देखिए जो हमारा ये पुराना वाला कनेक्टर था और ये न्यू वाला कनेक्टर, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है गाइस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा दूँ। आपको यहाँ पे 138 PPT यूज करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे शायद नहीं दिखाई दे रहा है, ये 138 PPT जो इसका PPT है गाइस, आपको 138 यूज करना है। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद नहीं दिख पा रहा है कैमरा के ब्लर की वजह से, तो आपको जो यहाँ पे PPT यूज करना है वो आपको 130 यूज करना है, 138 183। थोड़ा सा अगर आपके पास 138 नहीं है तो आप 183 यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है गाइस। तो देखिए गाइस, हमने थोड़ा सा 138 PPT और हल्का सा फ्लक्स लेना है, और हल्का सा फ्लक्स लेकर के आपको इनको चला देना है। ये देखिए इनको चला देना है आपको गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो गाइस आपको क्या करना है, 138 और PPT को हल्का सा चला देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा ये पर्टिकुलर क्लीन हो चुका है, अब इसको हम वॉश करेंगे। तो आपको 138 और फ्लक्स लेकर के आपको थोड़ा सा स्टोर कर देना है कि जैसे ही आप उसको कनेक्टर को लगाओगे गाइस तो आपका बहुत इजी तरीके से वहां पे लग जाएगा। तो हमें इसको कर लेते हैं वॉश। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 138 PPD और यहाँ पे फ्लक्स का यूज किया, तो मैंने इसके चारों तरफ थोड़ा सा फ्लक्स लगा दिया। फ्लक्स लगाने के बाद आपको कनेक्टर को सेट कर लेना है अपने कनेक्टर्स को। तो आपने जब उसको सेट कर लेना है, सेट करने के बाद वही आपका टेम्परेचर और आपका एयर उतना ही रहेगा गाइस। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अभी जब कनेक्टर को आप लगा रहे हैं गाइस तो इसके चारों तरफ ऊपर से ही हीट देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी कनेक्टर को गाइस आप वहाँ पे नहीं देंगे, तो मैं उसके कनेक्टर के चारों तरफ ही हीट दे रहा हूँ, उसके ऊपर हीट कभी भी प्रॉपरली नहीं देना है, नहीं तो कनेक्टर आपका जल जाएगा। आपके यहाँ पे PCB में आपको चारों तरफ हीट देना है। तो जैसे ही हमारा 138 रंगा PPT मेल्ट होगा वो फटाक से आपका काम हो जाएगा गाइस, बिना बोर्ड को जले, बिना आपका कनेक्टर जले गाइस। तो हिट करते रहना, आपको प्रॉपरली हिट करते रहना, हिट करते रहना। जैसे ही हिट होगा गाइस तो सारे आप देखेंगे, आपको मैं तो माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ, आपको प्रॉपरली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा गाइस। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, मैं एक बार टच कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे हमने टच किया वापस से हिला, थोड़ा सा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, तो ये हमारा कनेक्टर लग चुका है। अब देखते हैं आपको हम अभी जूम करके भी दिखाएंगे कि हमारा कनेक्टर जला कि नहीं जला गाइस। तो चलिए हम इसको वॉश कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं गाइस फटाक से। थोड़ा सा गर्म है तो उसको थोड़ा सा सूखने देंगे और फिर देखते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है, कनेक्टर आपके सामने हमने लाइव अगर चेंज किया है, अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। तो ये हमारा कनेक्टर है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा जिससे हमने निकाला था, ये हमारा कनेक्टर। तो चलिए अब आपको फाइनली शॉट दिखाते हैं कि हमारा ये कनेक्टर जला कि नहीं जला। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होगे हमारा कनेक्टर एकदम सेफ तरीके से, वही कनेक्टर है जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, और ये कनेक्टर जिससे हमने निकाला था, और वो कनेक्टर यहाँ पे बाजू में देख सकते हैं आप। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, देख सकते हैं सेफ तरीके से हमारा कनेक्टर एक भी नहीं जला है, थोड़ा सा भी अगर नहीं जला है, कहीं पे भी डैमेज नहीं हुआ है गाइज, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँ, और बहुत अच्छी तरीके से लग गया है, सोल्ड हो गया है। तो अगर उसमें थोड़ा सा और जूम होता है तो मैं वो भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज हमारा पर्टिकुलर लग चुका है गाइज। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि ट्रिक आपको कैसा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टर डैमेज जाता है या कहीं लगाते समय भी डैमेज हो सकता है। तो ये अगर ट्रिक बेस्ट लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।